नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज हम सवाल उठाने जा रहे हैं कि आखिरकार शिवराज सरकार विधानसभा सत्र को बार बार टाल क्यों रही है। ये आरोप है जो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि पार्टी के अंदर यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के खूब खींचतान मच रही है और यही वजह है कि सरकार बार बार विधानसभा सत्र को टालते जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है मध्य प्रदेश में यानी मार्च 2020 से, तब से लेके अब तक प्रोटेम स्पीकर ही विधानसभा अध्यक्ष का काम चला रहे हैं और ये पहला मौका है मध्य प्रदेश में जब इतने लंबे समय तक बिना विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष के विधानसभा का कामकाज चला है। प्रोटेम स्पीकर ही फिलहाल विधायकों की शपथ से लेकर के उनके जो इस्तीफे हो रहे हैं उसको देख रहे हैं। मार्च 2020 के बाद से लेके अब तक अगर जो स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में उसके बाद से जब से वो प्रोटेम स्पीकर बने हैं, कांग्रेस का आरोप है कि क्योंकि जब विधानसभा बैठेगी तो उसमें हाल ही में जो सत्र आज स्थगित हुआ है 28, 29, 30, इसमें 29 दिसंबर का जो समय था वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए था कि उसमें चुनाव होना था विधानसभा अध्यक्ष का, लेकिन पार्टी के भीतर खींचतान है। विंड के नेता हो, महाकौशल के हो, इनमें खींचतान है इस बात को लेकर के कि विधानसभा अध्यक्ष वहां से बनाया जाए क्योंकि अब नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं और पार्टी के भीतर जब बात होती है कैबिनेट में तो विंध और महाकौशल की ज्यादा भागीदारी है नहीं, इसलिए वहां पे जब हम बात करते हैं तो अजय बिश्नोई हो, केदार शुक्ला हो, इनके नाम पे चर्चा हो रही है या राजेंद्र शुक्ल हो कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया जाए। अभी जो प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा, कहीं ना कहीं वो भी ये चाह रहे हैं कि ये पद उनके पास ही रहे, वही अब अध्यक्ष बन जाए क्योंकि प्रोटेम स्पीकर रहते जो पूरा प्रोटोकॉल होता है वो उसका जो पूरा पालन होता है उससे वो काफी हद तक संतुष्ट दिखते हैं। कांग्रेस का यही आरोप है कि क्योंकि इतने अनार, एक कहते हैं ना जिसको एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति फिलहाल बनी हुई है भाजपा में और वही स्थिति ये अध्यक्ष पद को लेकर के बन रही है, इसीलिए सरकार जो है विधानसभा सत्र को बार बार टाल रही है। अब दूसरा आरोप भी है कांग्रेस का। कांग्रेस का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर पार्टी चौतरफा घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए जब भी सत्र बुलाया जाएगा तो कांग्रेस इस पर जमकर हंगामा करेगी, सरकार को घेरेगी, खबरें बनेंगी। जाहिर सी बात है अभी तक तो ये खबरें दिल्ली से आ रही है, लेकिन जब मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र होगा और यहां पर कांग्रेस सवाल उठाएगी, हंगामा होगा, सरकार से सवाल जवाब किए जाएंगे तो ये भी खबरें बनेगी और इसीलिए सरकार विधानसभा सत्र टाल करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा करके वो साबित कर रही है कि उसकी सोच किसान विरोधी है। कांग्रेस के इस आरोप के पीछे एक तर्क ये भी है कि जब विधानसभा का सत्र था और 28 दिसंबर यानी कांग्रेस ने जब बोला था कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करेगी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बैलगाड़ियों के साथ विधानसभा का घेराव किया जाएगा, तो भोपाल का जो प्रशासन है, भोपाल कलेक्टर है, उन्होंने रोक लगा दी किसी भी तरीके के प्रदर्शन पर। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, तांगा या बड़े वाहन जो है वो विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे। तो कांग्रेस का तर्क है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन होना था उससे डर करके ये फैसला लिया गया और इसलिए उनके प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई। बहरहाल ये कांग्रेस के अपने तर्क थे ये बताने के लिए कि विधानसभा का सत्र बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों टाल रही है। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना की स्थितियां बनी हुई हैं, वैसे में सत्र कर पाना मुश्किल होगा। 61 कर्मचारी विधानसभा के और 7 से ज्यादा विधायक दोनों ही राजनीतिक दलों के कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं अब जो सत्र शुरू होना था उससे ठीक पहले, और इसीलिए इस सत्र को स्थगित करना पड़ा। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि जब स्कूल खुल चुके हैं, आने वाले नए साल में कॉलेज भी खुल जाएंगे, तो फिर विधानसभा में जहां पे पूरा प्रोटोकॉल होता है, कोरोना गाइडलाइंस का बड़ी सख्ती से पालन होता है, विधायकों के बीच में, मंत्रियों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है, गेट पे हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होती है, हर बैठक के बाद पूरे विधानसभा परिसर को सैनिटाइज किया जाता है, परिसर में आने से पहले हर किसी का कोविड टेस्ट होता है, इतनी तमाम प्रोटोकॉल्स के बावजूद, नियमों के इतने कड़ाई से पालन के बावजूद आखिरकार सत्र को टालना, ये दिखाता है
कि सरकार वाकई कहीं ना कहीं इससे डरी हुई है, क्योंकि जब स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके लिए आपने स्कूल खोल दिया, कॉलेज खुलने जा रहे हैं, तो फिर विधानसभा स्थगित करने के पीछे कोई खास वजह ही होगी, यही आरोप कांग्रेस लगा रही है। उसका कहना है कि चाहती तो सरकार सत्र को बुला सकती थी, व्यवस्था ऐसी की जा सकती थी कि ऑनलाइन ये सत्र चलता, विधायक जहां थे वहीं से मौजूद होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, तो जो अब नेता प्रतिपक्ष भी हैं विधानसभा में, उनका तो ये सुझाव भी है कि एक समिति बनाई जाए, उस समिति जो है वो विधायकों के प्रश्नों का जवाब दे और उसका जवाब ऑनलाइन या फिर डाक पार्सल के जरिए विधायकों को मिल भी जाए, ताकि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के विधायक सवाल उठा रहे हैं, कम से कम उसका जवाब सबके सामने आ सके।